ओके सी, सो पहले चीज, लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म का होता है? सो लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म का आपको मिलेगा, राइट? सो दिस इज व्हाट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओके? इसी में कुछ और बातें हो जाए वो बातें, दैट मीन्स इफ ए का वैल्यू जीरो हो जाए या बी का वैल्यू जीरो हो जाए, है ना, ए या बी में से कोई भी एक का वैल्यू जीरो हो जाए, तो वो क्या मतलब, एक क्या वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा, बताइए, जो बचपन से आप एक्स और वाई में से कोई एक ही रहेगा तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाए, और अगर दोनों रहेगा तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। तो हम लोग वन वेरिएबल के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर पहले कर रखा है, आई थिंक आप लोगों ने भी पढ़ा है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा है ना, पढ़ा था बचपन में। हाँ सर। हाँ, तो अभी हम लोग इन टू वेरिएबल्स पढ़ते हैं क्या होता है। सी, तो इफ कोई भी आपके सामने इक्वेशन रहता है 2x plus 3y equals to suppose 5 रहता है, तो इसमें x and y के बहुत सारे वैल्यूज इसे सेटिस्फाई करने वाले हैं, मींस वन वेरिएबल में क्या होता है, देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ x व्हिच इज गोना सेटिस्फाई दिस इक्वेशन व्हिच इज माइनस b / a, बट इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देयर आर सो मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड y देयर। सो फॉर एग्जांपल आप एक बॉक्स बनाते हो और उसमें x एंड y के वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हो, if x is 1 y is going to be 1, right? Your y ka value aap aise find kar sakte ho 5 minus 2x by 3. If x is 2 y is 1 by 3. So as you can see bahut sare different values aapko x and y ke dikh rahe hain. To koi bhi linear equation in two variable ka bahut zyada solution ho sakta hai agar ek hi equation aapko rehta hai to. Agar ऐसा हो जाए कि टू इक्वेशंस आ जाए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में के टू डिफरेंट इक्वेशंस आ जाए, तो फिर लिमिटेड सोल्यूशन आने वाला है, पॉसिबिलिटी है कि आपके सामने एक ही सोल्यूशन एक्स और वाई का मिल जाए, है ना। और ये बात समझ में, मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, बोलो। यस सर। है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो आप ये देखो कि अगर ये जो 2x + 3y = 5 मैंने लिया है, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ, इसका अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे, एटलीस्ट थ्री वैल्यूज आपको ले लेना है, 1, 2 लिया आपने, सपोज 3 ले लिया तो क्या आ जाएगा, माइनस 1/3 आपने, और क्या ले सकते हैं, या आपको मैं बताऊं, ये फ्रैक्शनल वैल्यू ना हो उसकी जगह पे इंटीग्रल वैल्यू आए तो कितना मजेदार रहता है, तो सारे इंटीजर्स भी आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, एक्स 1 होगा, नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू कैसे आएगा, 4, तो वाई कितना हो जाएगा, माइनस 1, रख के देख लो, आई थिंक सेटिस्फाई होना चाहिए। एक्स आपने माइनस 2 रख दिया तो वाई कितना हो जाएगा, 3, बिल्कुल सही है। एक्स आपने 7 रख दिया तो वाई कितना रहने वाला है, माइनस 3, है ना, तो ऐसे 4 वैल्यूज बने रह रही है। अब इसे आप ग्राफ पेपर पे शो कर दो, ठीक है, कैसे करोगे, ठीक है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस, दिस इज x, x डैश, y एंड y डैश, सो 1, y कहाँ तक जाने वाले हम लोग, 3 तक जा रहे हैं, 2, 3, 4 ऐसे, नेगेटिव में माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 एंड ऑल, और नीचे y डैश होने वाला है, और इधर 7 तक जाना है, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और x में नेगेटिव भी माइनस 2 तक जाना है। ये सब तो पता है ना, ये सब तो समझाने की जरूरत नहीं है, राइट? और ये आपके पूरे सिलेबस का सबसे इजी चैप्टर, इससे आसान कोई चैप्टर है ही नहीं। तो कोई भी ऐसा है जो मैथ्स जबरदस्ती पढ़ते हो तो ये चैप्टर तो अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन तो आपसे हो ही जाएंगे, क्यों? और जो बहुत जिनका मैथ्स फेवरेट है उनको तो मजा नहीं आने वाला है, तो मुझे बहुत कुछ खास मजा नहीं आता, ठीक है। और बाकी आप लोग लेकिन पढ़ना तो है क्योंकि सिलेबस में मार्क्स भी आएंगे, ये पढ़ लोगे तो। सो x1 y1 एक पॉइंट हो गया, तो वो ये पॉइंट आपने दिखा दिया x1 y1,
दूसरा x 4y माइनस 1, 4y माइनस 1 कुछ इधर आने वाला है. थर्ड x माइनस 2y 3, x माइनस 2y 3 कुछ इधर आएगा. एंड फोर्थ x 7y माइनस 3 कुछ इधर आएगा. ओके तो ये सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्या एक स्ट्रेट लाइन ही मिलने वाला है. आई बात समझ में? बोलो. यस सर. तो ऐसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऑफ विच लाइन. ये क्या है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 का. ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जो इधर भी इनफाइनाइट तक जा सकता है और इधर भी इनफाइनाइट तक जा सकता है. कोई डाउट किसी को? नो सर. नो सर. कॉपी कर लीजिए यहाँ तक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं. कैसे भी ले सकते अथर्व, ये काम मत करना. रेज करो जो लिखा है आपने, कर पाओगे? गलत बात है, ये काम मत करो. So, आपको कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, बस वो होना चाहिए कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. जो जरा पैनलिस्ट बंद कर दो. एक से दोनों को ना करेंगे बाद में. सो x और y की डिफरेंट वैल्यूज आप ऐसे लो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. ओके अदिति? यस सर. वो आप कुछ भी ले सकते हो अपने हिसाब से. डन हो गया सबका? हो गया? हाँ सर. ओह शिट. सबने लिख लिया? सर एक मिनट रुक सकते हैं. सर हो सबका हो गया. अब आप ही सोचो, अगर एक इक्वेशन का ग्राफ ये आ रहा है तो इफ टू डिफरेंट इक्वेशंस होते हैं तो टू स्ट्रेट लाइंस आता और वो दोनों स्ट्रेट लाइन तो किसी एक पॉइंट पे मिल सकते थे, राइट? है ना? Yes, sir. किसी एक पॉइंट पे मिल सकते थे. तो इसीलिए हम लोग को जब एक सोल्यूशन चाहिए होता है ऑफ टू डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस तो हम लोग क्या करते हैं, टू इक्वेशंस एटलीस्ट की जरूरत होती है और टू इक्वेशंस हम लोग रखते हैं. जैसे कि सपोज एक इक्वेशन है 3x माइनस 4y equals to 16 and 2x minus plus 5y equals to 3. ठीक है, तो इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें. आप लोग बाद में करना, आप लोग सिर्फ अभी देखो इधर करो मैं इधर देखो, इधर देखो सब. सो पहला फॉर 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 16. अब क्या करोगे, पहले तो एक बॉक्स सबके लिए बनाना पड़ेगा और उसके लिए आपको कंफ्यूजन होता है तो y या x का वैल्यू आप इन टर्म्स ऑफ x और y फाइंड कर लो. जैसे मैं यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, 3x माइनस 16 बाय 4. इसमें किसी को डाउट है क्या? मैंने y इक्वल्स टू 3x माइनस 16 बाय 4 कैसे लिख दिया? रिकिता, नहीं ना? No, sir. So, x and y के एटलीस्ट कितने वैल्यूज होने चाहिए? 3 वैल्यूज होने चाहिए, राइट? बोलो. Yes, sir.
सो पहला x का वैल्यू में क्या लेने वाला हूँ, वन लेने पे इंटीजर आएगा क्या x का वैल्यू, नहीं आएगा। टू लेने पे नहीं आएगा, थ्री पे नहीं आएगा, फोर पे आएगा। आपको लग रहा होगा ऐसे कैसे, तो अब रख के देखो ना जल्दी जल्दी। फोर रखोगे तो क्या आएगा, 12 माइनस माइनस फोर बाय फोर विच इज माइनस का। उसके बाद अगला आपको पता है कैसे कर सकते, मैंने आपको बताया था याद है, इन अगर इंटीग्रल वैल्यू चाहिए तो क्या बताया था, x के वैल्यूज में y का कोएफिशिएंट ऐड करते जाओ तो अगला जीरो होगा, तो y का वैल्यू क्या होगा, माइनस टू होगा। नहीं मैंने गलत लिख दिया शायद, फोर होगा ना, x का कोएफिशिएंट ऐड करेंगे ना। आई बात समझ में, बताइए नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में सर? हाँ सर, हम वैल्यू तो कोई भी ले सकते, तो आप ऐसे क्यों बोल रहे थे कि इससे वो सैटिस्फाई नहीं? कोई भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, बट मैं क्या प्रिफर कर रहा हूँ कि सारे इंटीग्रल वैल्यूज आ जाए, जिससे कि अपना ग्राफ ड्रॉ करना इजी रहे, मैं वो ट्राई कर रहा हूँ। अब रखने को तो मैं वन भी रख सकता हूँ, बट वन रखने से क्या होगा ना, आप एक्स वन रखोगे तो वाई का वैल्यू क्या आने वाला है, माइनस 13 बाय 4। तो बिल्कुल सही है, कुछ रॉन्ग नहीं है इसमें, बट थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, बस वही बात है, कुछ नहीं। ओके सो इट्स बेटर। सर आपने जो पहले वो मतलब ट्रिक बताया था कि 4 मतलब जो x का वैल्यू और y का वैल्यू इजीली जैसे फाइंड करना है इंटीजर में, सर वो एक बार फिर से मतलब बताओगे? x के वैल्यूज में y का कोएफिशिएंट ऐड करो, y के वैल्यू में x का कोएफिशिएंट सबट्रैक्ट करो, खत्म। ओके बस, नहीं समझा? समझा गुरुजी। सो x के वैल्यूज में आपको y का कोएफिशिएंट ऐड करना है और y के वैल्यूज में x का कोएफिशिएंट सबट्रैक्ट करना है। ओके समझा? इसमें और कोई डाउट किसी को? पार्थ पढ़ाई इधर चल रही है, कितना प्यारा इंसान है, तो कैमरा ऑफ मतलब ऑन करके ये बातें भी कर रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लो कर लो। सो इसको हटाते हैं हम लोग, हटा दूं और एक अच्छा सा वैल्यू ले ले क्या, 40 ले लिया, नेक्स्ट क्या ले लूं बताओ, माइनस 4, तो वाई कितना हो जाएगा, माइनस 7। हाँ सही है, क्यों ले सकते हैं ना जोयल? हाँ सर, मतलब एक्चुअली वैल्यू तो सच में रख के देखा, या तूने ये सोचा कि सर आपने तो सही ही क्या होगा, सर ऐसे बोल दिया, ऐसा तो नहीं है ना? अभी ये बोलने में आधा घंटा लगाएगा, जाने दे। क्या यार, ये थ्री वैल्यूज ले लेते हैं, आगे क्या करना है ज्यादा वैल्यूज का, और एक काम करते हाँ, और बाकी सेकंड वाले के लिए भी एक काम करते हैं। सो 2x plus 5y equals to 3, सो यहाँ से y या x किसी का भी वैल्यू आप फाइंड करो, क्या होगा, 3 minus 2x by 5। इसके लिए एक टेबल बनाते हैं, x y, सो x का वैल्यू आप क्या रखोगे, तो इंटीजर आएगा, एक ही चाहिए मुझे तो लग रहा है, माइनस पर रख देता हूँ, है ना। y कितना हो जाएगा, 1। फिर नेक्स्ट x का क्या होगा, उसमें 5 ऐड करोगे तो 4 आएगा, और y में माइनस 2 करोगे तो माइनस 1 आएगा। आपको सोल्यूशन तो दिख ही गया, कॉमन कौन सा है, 4 एंड माइनस 1, दिख रहा है सबको? नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 9 या माइनस में रख दू, माइनस 1 माइनस 5 कर देते हैं, तो माइनस 6 तो वैसे भी जाना है, ठीक है माइनस 6, ठीक है, तो 1 में ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, 2, 3 3 समझा सबको? हाँ सर, सर सर हाँ, हेलो सर, हाँ सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ सर, ये जो आप मतलब ग्राफ बना रहे हो, वो हमें ग्राफ बुक में लिखना है? नहीं नहीं नहीं, नोट्स में तो आप रफ स्केच आप प्लॉट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एग्जाम में आप ग्राफ पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ जाए। ओके हाँ सर, हाँ सर, ये x, ये x dash, ये y, ये y dash. So first यहाँ से start करेंगे, 1, 2, 3, 4,
x में कहां तक जाओ तो काम हो जाएगा, 4 तक काफी है, 5 ठीक है, बट नेगेटिव में आई थिंक -6 तक जाना ठीक है. सो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -6. सर इसमें बस ये वैल्यू ही पुट करना जैसे पहले वन वेरिएबल में करना था वैसे. मतलब हाँ ऐसे x के वैल्यूज पुट करके y के वैल्यूज लाना वही करना. हाँ सो y का वैल्यू 1-2-3 तक जाना है, बाकी नेगेटिव ही घूम रहे हैं हम इस बार. y के वैल्यूज -7 तक जाना है. सो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8. सो पहले इक्वेशन के लिए x 4 y -1 तो दूसरे करना सकता है कुछ इधर दिख रहा है. सेकंड 0 -4 x इज 0 देन y इज -4 इधर. व्हेन x इज -4 y इज -7 कुछ इधर. तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं क्या कुछ ऐसा हो जाएगा बताइए. यस सर. समझ में आया सबको? Yes. Graph of 3x minus 4y equals to 16. आगे second वाले का करते हैं. X is minus 1, then y is 1. X minus 1, y is 1. कुछ इधर आया. When x is 4, y is minus 1. X is 4, y is minus 1. तो ये point. And third is when x is minus 6, y is 3. कुछ इधर आया. सो ग्राफ कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा. किसी का ये डाउट तो नहीं है कि सर ये वाले पॉइंट्स तो पास हो ही नहीं रहा है, जबरदस्ती इसको बाद में बना देता हूं. इससे बकवास क्वेश्चन मत पूछना, मैं मार दूंगा नहीं. तो ये किसका ग्राफ हो गया? 2x plus 5y equals to 3. सो दोनों किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं? x 4 एंड y माइनस वन पे. सो दिस इज आवर सॉल्यूशन. अब ये बात समझ में बताइए. यस सर. लिख लीजिए सब लोग. कुछ पूछना है किसी को? ये समझ में आ गया? एक्चुअली अक्षत आपका जो डाउट है जनरली बस 3 वैल्यूज भी काफी क्यों नहीं, काफी सिर्फ 2 वैल्यूज होते हैं ठीक है. 2 वैल्यूज काफी होता है, 2 से आराम से ग्राफ आ जाता है. लेकिन स्कूल के एग्जाम के केस के लिए मैं बता रहा हूँ कि 3 वैल्यूज आप रख लोगे तो उनको अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों और कुछ नहीं. बाकी इनफ तो 2 वैल्यूज भी होते हैं ठीक है. अच्छा सर. सर आपने जो बोला कि मतलब x के इसमें उतना मतलब जो डिनोमिनेटर है वो ऐड करने का और y में सब्ट्रैक्ट करने का. नॉट डिनोमिनेटर कोएफिशिएंट. हां सर. तो फिर यहां पे 1 -4 और -7 ये कैसे मतलब सीक्वेंस में नहीं आया? नहीं सीक्वेंस में एक्चुअली नहीं है, मतलब वो मुझे मैंने 0 लिखा ओके, फिर 0 पे -4 आया ठीक है, फिर मुझे लगा 0 के आगे उसमें मैं ऐड करूंगा, पता नहीं क्यों मुझे भी नहीं पता मैंने 0 के बाद -4 क्यों लिखा. मैंने एक वैल्यू फिर 4 में मैंने सबट्रैक्ट किया 4 ओके.
फिर मुझे लगा कि नहीं ये सीक्वेंस में तो है, सीक्वेंस में है। हाँ सर सीक्वेंस है, मतलब वो वैसे है पर वो माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो मतलब वैसा सीक्वेंस नहीं। मैम क्या है ना कि इफ एक्स इज इंक्रीजिंग वाई इज डिक्रीजिंग एंड इफ एक्स इज डिक्रीजिंग देन वाई इज इंक्रीजिंग। तो इधर पहले मैंने एक्स को डिक्रीज किया है शायद। नो 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 एक्स के वैल्यू में वाई का कोएफिशिएंट ऐड करना है तो 4 आपने फर्स्ट वैल्यू लिया सो सेकंड वैल्यू 4 में माइनस 4 ऐड करोगे ना मैम सो 4 प्लस माइनस 4 इज 0। कोएफिशिएंट तो माइनस 4 है प्लस 4 तो नहीं है ना अभी समझा। और वाई में फिर हम लोग एक्स का कोएफिशिएंट विच इज 3 ऐड करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे सो माइनस 1 नहीं समझा सर। x के वैल्यूज में 4 ऐड करेंगे नो नो y का कोएफिशिएंट ऐड करेंगे है ना यस सर। x के वैल्यूज में y का कोएफिशिएंट ऐड करेंगे बताओ पहले ये बताओ राइट सर। ठीक है तो मैंने y का कोएफिशिएंट व्हिच इज -4 सो 4 में -4 ऐड किया तो 0 आया और y के वैल्यूज में x का वैल्यू सबट्रैक्ट करेंगे तो -4 में 3 सबट्रैक्ट किया तो -4 आ गया। समझा अभी? अभी भी नहीं समझा? अरे नहीं बोला नहीं समझा। नहीं समझा। नहीं समझा। अच्छा ठीक है रुक समझाता हूँ। देखो देख x y so 3x minus 4y equals to 16। एक वैल्यू आपने 4 लिया और y का वैल्यू -1 लिया तो सेकंड वैल्यू में क्या बोला था x के वैल्यूज में y का कोएफिशिएंट ऐड करते जाना है तो y का कोएफिशिएंट तो -4 है ना और y के वैल्यू में x का कोएफिशिएंट सबट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि इधर आपने ऐड किया तो इधर सबट्रैक्ट। अगर इधर सब्ट्रैक्ट किया होता तो इधर ऐड करना होता। अभी आई थिंक आपको कुछ तो समझा होगा क्यों? हाँ अब ठीक है अब समझा। ओके और ऐसे किसी का डाउट पार्थ सर एक मिनट अब मत करना वो लिखना था सर। नहीं नहीं आ गया देखो पार्थ तू तो गायब ही हो गया यार मतलब एक बार के बुरा मान गया क्या तू मेरे बारे में एक्चुअली गायब हो गए वापस से बाहर बाहर गांव गया गया मैं तो मैं ऐसे मैंने देखा है कई लोगों से पूछता हूँ कहाँ गए थे क्यों गायब थे सब मैं बाहर गांव गया था मतलब मुझे बाहर मुझे पर्सनली बाहर गांव का मीनिंग नहीं है पता ये बाहर गांव क्या मतलब तुम लोगों ने सुना है कभी सर मैं बाहर गांव गया था ये बाहर गांव क्या होता है सर सुना है पर इररिलेवेंट लगता है थोड़ा। बाहर गांव ओके लिख लिया आगे बढ़ू मैं। अरे श्रावणी आपने लिख लिया yes, समझ में आया आपको yes. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब इन ग्राफ इन दोनों ग्राफ को देख के आप लोगों को कुछ डाउट आना चाहिए था और वो डाउट क्या होना चाहिए था मैं बताता हूँ कि सर ऐसा भी तो हो सकता है आपने बोला कि 2 स्ट्रेट लाइंस जो है वो एक पॉइंट पे कट करें बट क्या हमेशा कट करेगा सवाल ये है क्या हमेशा कट करेगा पैरेलल लाइंस हाँ जो नहीं कट हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल तो फर्स्ट पॉसिबल कोइंसिडेंट लाइन जो एक दूसरे के पैरेलल लाइन मैं समझ गया आपने स्कूल में पढ़ा है सर यू आर नॉट ऑडिबल आई एम नॉट ऑडिबल बाकी लोगों को भी नो सर यू आर ऑडिबल कृषिता हेलो कृषिता अभी भी नहीं आपको बिल्कुल मैथ्स नहीं आता है कृषिता बिल्कुल भी नहीं आता है हेलो कृषिता एम आई ऑडिबल नाउ अभी भी नहीं सुनाई दे रहा कुछ तो करो वापस जाके फिर आ जाओ तो वो भी नहीं समझ में आएगा तुम्हें दिख रहा होगा इसे सर यू आर नॉट ऑडिबल ईयरफोन निकाल दो अब तुम लोग बाकी को सजेस्ट करो ऐसे मैं कैसे क्या बोलूं नहीं तो बोलते रहिए कि यू आर नॉट ऑडिबल
सर बोर्ड पे लिख दो सर, क्योंकि चैट तो अब डायरेक्ट मैसेज है ना हम लोग। सर अभी कुछ बोल के देखो। हाय हेलो हेलो हेलो, अब ठीक है? अभी भी नहीं, भाग वापस जा, वापस आ। अरे वो उठ के चली गई। पता नहीं, या किसी को बुलाने गई होगी शायद। ओके सी, हम लोग पढ़ते हैं। सो थ्री पॉसिबिलिटी है, एक तो ये, दूसरा नहीं, नहीं। और ये हो सकता है। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि टू लाइंस है जो एक पॉइंट पे कट कर सकता है, ग्रेट, बहुत सही। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि दो लाइंस पैरेलल हो सकते हैं, है ना, टू लाइंस एक पॉइंट पे कट करेगा और दोनों पैरेलल होगा, सेकंड पॉसिबिलिटी। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी भी हो सकता है कि फर्स्ट लाइन इज हियर, दूसरे एक दूसरे को लाए हो, हां सेकंड वाला इधर ही रहेगा। ओके ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। अरे ये बात समझ में, बोलो हेलो। थर्ड ग्राफ नहीं समझा, थर्ड वाला नहीं समझा? ओके अभी मैं सब कोइंसाइड कर सकता है, एक ग्राफ दूसरे ग्राफ के जस्ट ऊपर भी रह सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी। ओके सर उनके जीरोस भी सेम होंगे ना? सारे जीरोस सेम होंगे उसके। ओके एक्चुअली इनके जीरोस होते नहीं है, जीरो क्या होता है पॉलीनोमियल के केस में होता है, ठीक है। और कोई और कुछ बीच में बोल रहा था ना सर, को फाइनली आवाज आ रही है सर। आ रही है अभी आवाज मैम? अच्छा ठीक है, सुनो सुनो। ओके देखो रिकिता, मतलब करते हैं उसके बाद आपको समझ में आएगा। देखो सो फर्स्ट वाले का क्या करते हैं, मैं और छोटा कर रहा हूँ। सी इसमें इसका एग्जांपल, सपोज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 8y equals to 7, जैसा कि तब से देखते आ रहे हैं हम लोग, जो 2-3 examples किया अपन ने, कि दोनों completely different equations होते हैं, तो वो एक point पे cut करते हैं। And for that the condition is, if the equations are, suppose a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0. तो ऐसा तब होगा जब कोई कनेक्शन ना होना, दैट मींस द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ वाई, सो b1 अपॉन b2, इफ दीज रेशियोज आर नॉट इक्वल। जैसे यहां पे देखो 2:3 इज नॉट इक्वल टू 3:8। तो ऐसे जो भी एग्जांपल्स होंगे सबका ग्राफ एक पॉइंट पे कट करने वाला, दैट मींस एक सिंगल like set of solution आने वाला है। Second possibility, पूरा देखना उसके बाद समझ में नहीं आएगा तो आप पूछना, अभी देख लो। So a1x plus again b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0. ये दोनों के केस में if a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 which is not equals to c1 upon c2. For example, 2x plus 3y equals to 5 and 4x plus 6y equals to 9. अब ये दोनों को देखो, अब क्या होगा, सेकेंड वाला इक्वेशन को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, सो 2x plus 3y equals to 9/2 आ जाएगा। Now see, 2x plus 3y equals to 5 and 2x plus 3y ही equals to 9/2, same value.
एक बार 5 आ रहा है एक बार 9 बाय 2 आ रहा है, क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? यस सर. सर आपने 2x + 3y इज इक्वल टू 9 बाय 2 वो क्या लिखा, नहीं समझा. लाइक 4x + 6y इक्वल्स टू 9 है, 4x + 6y इक्वल्स टू 9 है, उसमें मैंने 2 कॉमन लिए, LHS से 2 कॉमन लिया और उसे RHS में भेज दिया, तो क्या वो 9 बाय 2 हो जाएगा? हाँ समझा सर. अब देखो वापस से रेखिता और बाकी लोग भी, तो 2x + 3y इक्वल्स टू, एक सेकंड, so 2x plus 3y, एक बार तो 5 आ रहा है और सेकंड टाइम वो 9 by 2 आ रहा है, तो आप ही बोलिए तो वही हो गया ना, एक वेरिएबल का वैल्यू एक ही हो सकता है ना लीनियर इक्वेशन, मतलब कंप्लीट एब्सेंस. तो 2x plus 3y is 5 और 2x plus 3y is 9 by 2, not possible, है कि नहीं? मतलब x y का कोई भी कॉमन वैल्यू आ ही नहीं पाएगा, एक भी कॉमन नहीं वैल्यू आ पाएगा. सो इन दैट केस ग्राफ्स विल बी पैरेलल. आप ड्रॉ करके भी देख सकते हो 2x plus 3y equals to 5 और 4x plus 6y equals to 9 का ग्राफ, जैसे कि ऊपर हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया था, वो यूज करके आप ड्रॉ करके देखना, दोनों ग्राफ्स आपको पैरेलल मिलेंगे और आप समझ भी सकते हो क्योंकि इनका कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं आ पाएगा, तो एक भी कॉमन सोल्यूशन नहीं आना, दैट मींस ग्राफ्स विल बी पैरेलल. आई बात समझ में? बताइए. यस सर. ओके. यस सर. दिस इन दिस केस यू कैन से यूनिक सोल्यूशन, दिस इज यूनिक सोल्यूशन, x और y का एक ही मिलेगा क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट करेगा. दिस इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन. और थर्ड वाला जो केस है, जो थर्ड वाला ग्राफ, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. पढ़ा है मिंसा? हां. ओके सर, एग्जाम आ रही है ना तो पढ़ना पड़ा. अच्छी बात है, गुड. इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं. ओके सो थर्ड वाला जो है, इसमें क्या बोल सकते हैं सर? वापस से वही. हाँ बोलो सर, मुझे 9 by 2 वाला नहीं समझा. देखो 4x plus 6y equals to 9 है, 4x plus 6y से 2 कॉमन ले सकते हैं, बताइए. अब ये 2 दूसरी तरफ जाके क्या होगा, 2x plus 6y equals to 9 by 2 हो जाएगा, अभी समझा? यस बोलिए. यस तो देखो 2x plus 3y एक बार तो 9 by 2 है, एक बार 5 है, तो एक मतलब ये इलॉजिकल हो गया ना, दोनों या तो सेम रहता, एक बार ये दूसरा वैल्यू. अब इसको कैसे सॉल्व करो, x और y के कॉमन वैल्यू आपको मिल ही नहीं पाएंगे, मिल पाएंगे क्या? नहीं मिल पाएंगे. समझा अभी? यस सर. एंड द थर्ड केस इज a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 के लिए, अगर तीनों इक्वल हो जाए, a1 upon a2 = b1 upon b2 = c1 upon c2. फॉर एग्जांपल इसका भी कर लेते हैं वही वाला कि 2x plus 3y, एक सेकंड रुको, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा मैं ऐसा बढ़ाया. सो 2x plus 3y equals to 5 है और 4x plus 6y equals to अब 10 है, ठीक है? तो 4x plus 6y अगर यहाँ पे 10 होता तो यहाँ पे 10 by 2 वापस से 5 ही आ जाता ना, मतलब दोनों तो सेम ही इक्वेशन हो गया, है कि नहीं? बताइए. हेलो. यस सर. दोनों सेम ही टाइप का इक्वेशन हो गया, मींस दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों का एक ही ग्राफ आएगा. मींस इन दोनों का अगर कोई आपसे सॉल्यूशन पूछेगा तो दोनों तो एक ही इक्वेशन है ना, तो एक ही इक्वेशन के तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, याद है थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, तो क्योंकि ये कोइंसाइड करेगा सो देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. ओके अभी समझा? यस सर. बाकी लोग बोलो. Yes, sir. Yes, sir. और जब कभी भी सोल्यूशन आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक टर्म डिफाइंड होता है कंसिस्टेंट. नाम सुना है कभी? सुना है सर. बहुत ही बेहतरीन सा स्पेलिंग लिखा मैंने, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. हाँ. और सोल्यूशन नहीं आता है तो इनकंसिस्टेंट, एक टर्म डिफाइन है बस. जिनका सॉल्यूशन रहता है वो कंसिस्टेंट और हां, और जिनका नहीं रहता है वो इनकंसिस्टेंट. जैसे द थर्ड वाले का भी है, पैरेलल लाइन से. हां सो दिस इज आल्सो इनकंसिस्टेंट. क्या पूरा कॉन्सेप्ट सबको समझा? यस सर. यस सर.
चलो ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग नोट डाउन कर लो। कहाँ से स्टार्ट करो? ग्राफ से। ये ग्राफ कॉपी किया था ना सबने, ये वाला? हाँ, यहाँ से स्टार्ट करो। सर वो ऊपर का वाला ग्राफ एक बार दिखा। ये वाला? हाँ सर, एक ही मिनट। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ले लिया? ले लिया। हो गया सर? वेट सर, यस सर। नो सर, वेट, जल्दी करो। सर डन, सबका हो गया? यस सर।
हो गया। राहुल कुमार आपको माइक काम नहीं करता है क्या? राहुल हेलो राहुल सर क्या माइक काम नहीं करता है डजंट वर्क? मैं पूछ रहा हूँ बताओ करता है तो बोला करो ना यार स्पीक अप। सो आपका डाउट है व्हाट आर डिपेंडेंसीज? सी डिपेंडेंसी क्या होता है कि इफ दोनों ग्राफ को इनसाइड हो रहे हैं मींस थर्ड केस दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंसीज। ओके और सर मतलब कि बाकी दो केस इंडिपेंडेंट हो गए? हां इंडिपेंडेंट बोल सकता है। कहां पढ़ा था आपने? सर ने टीचर ने बताया स्कूल के। हो गया सर इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे इंडिपेंडेंट होगा? वो डिपेंडेंट होगा ना इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट के लिए तो डिपेंडेंट रहेगा ना एक पॉइंट बट उसको कंप्लीट सेट ऑफ एक्स के वैल्यूज के लिए तो इंडिपेंडेंट ही हुआ राइट अगर प्रॉपर जिस इसका जो डाउट था डिपेंडेंसी क्या होता है दैट इज मींस कंप्लीटली डिपेंड करेगा मींस वो कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर है ना। ओके ओके समझ में आया सबको यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है कंसिस्टेंट क्या होता है नो सॉल्यूशन क्या होता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है डन बताइए। सो ये बिल्कुल बेसिक हम लोगों ने ग्राफ्स देखा और यहाँ पे हम लोगों ने ये भी देखा कि कंडीशन क्या होता है कि कब कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कब नहीं कर सकते वो भी आपने देखा। ओके अब ये चैप्टर में बस मेथड्स बचे हैं कि क्या मेथड से सॉल्व कर सकते हैं टू लीनियर इक्वेशंस को। एक तो ग्राफिकल मेथड हम लोगों ने देखा अदर मेथड्स आर लाइक देयर आर थ्री मेथड्स जो हम लोग देखेंगे कि कोएफिशिएंट्स को इक्वल करके या फिर हम लोग सब्स्टिट्यूट करके ये एक्स एंड वाई के वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं एलिमिनेशन मेथड होता है ये थ्री मेथड्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं। ओके हम लोग नेक्स्ट डे देखें। हाँ बोलो आवाज नहीं आ रही तेरी यार कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो सर यू आर ऑडिबल। नहीं जिससे जिसने पूछा था एक बार नो सॉल्यूशन एक्सप्लेन करो क्या नो सॉल्यूशन क्या होता है मीन्स वो दोनों ग्राफ पैरेलल हो जाए मीन्स अगर a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2 then there will be no solution। इसके examples भी करेंगे हम लोग no doubt इसके examples करने वाले हैं हम लोग तो और बेटर आपको समझ आएगा। बट ये कंडीशन होता है कि अगर x के coefficients का ratio is equals to y के coefficients का ratio which is not equals to constant terms के का ratio then there will be no solution। ओके ध्रुव मतलब दोनों भी लाइन मीट नहीं करेगी। हाँ दोनों लाइन कहीं मीट ही नहीं करेगा तो सॉल्यूशन किधर से आएगा? नो पॉसिबल सॉल्यूशन। ओके हाँ बोलिए। यस सर बोलो सर हमने जो नाइन्थ में पैरेलल ग्राफ देखा था वो इससे डिफरेंट है ना? नहीं पैरेलल ग्राफ तो ये हुआ ना पैरेलल मींस व्हाट पैरेलल मींस जो कभी ना मिले so second one means both graphs are parallel so usme na line x ke pure x axis ke parallel hota hai to fir koi graph pure y axis ke parallel hota hai to x axis ke parallel means graph aisa ho jayega so this is parallel to x axis but if two graphs aapas mein aise bhi to parallel ho sakte hain these graphs are not parallel with x axis or y axis but aapas mein to parallel hai na okay ओके सर और कोई डाउट ऐसे है किसी का? नहीं ना चलो फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके ओके सर ओके चलो बाय। ओके सर थैंक यू सर बाय सर थैंक यू सर थैंक यू सर।